हेलो एवरीवन, आई एम विजयत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ABES, IIT गाजियाबाद। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। कोई भी हमें जो बीम दिए होते हैं, उन बीम के ऊपर जो डिफरेंट लोडिंग होती है, उन लोडिंग की वजह से शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे कैसे चेंजेज होते हैं, कहाँ पॉजिटिव होते हैं, कहाँ नेगेटिव होते हैं, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करते हैं। शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पर जाने से पहले एक टॉपिक है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। इसका मतलब क्या होता है, ये होता क्या है स्टैटिकली, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डिटर्मिनेट डिटरमाइन, बीम बीम होता ही है। कोई भी ऐसा बीम, ये एक बीम जिसकी सपोर्ट्स जिसकी रिएक्शन, जो हमें लोडिंग कंडीशन दी हुई है, डिफरेंट टाइप की जो लोडिंग कंडीशन दी हुई है, W1, W2, इन लोडिंग कंडीशन से जो इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस को हम अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम से डिटरमाइन कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम उसे बोलते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सपोर्ट्स हैं, जो हमारी रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली जो इक्वेशंस होती हैं, वो अगर सफिशियंट हैं, तो उस बीम को हम बोलेंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। सपोज स्टैटिक इक्विलिब्रियम से यहाँ पर दो इक्वेशन बनती हैं और यहाँ पर अननोन भी दो हैं, तो दो इक्वेशन, दो अननोन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम हो गया। डेफिनेशन क्लियर हो गई कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम से, केवल और केवल स्टैटिक इक्विलिब्रियम से किसी भी बीम की सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट कर लेना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से किसी भी सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट कर लेना किसी भी बीम के लिए, तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। और अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन सफिशियंट नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, तो वो एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम नहीं होगा। तो इसमें जो आते हैं हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम, ये दो बीम हमारे स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम हैं। तो यहाँ हम सिर्फ इन दोनों बीम को पढ़ेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता है, ये एक सपोर्ट लगी हो जिसके एंड पर, ये हो गया हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। और कैंटिलीवर क्या होता है, जिसका एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड उसका फ्री हो, ये हमारा होता है कैंटिलीवर बीम। अब बात करते हैं हम शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की, तो दोनों को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम शीयर फोर्स। शीयर फोर्स नाम से पता चल रहा है, शीयर और फोर्स, नॉर्मल एक फोर्स, जो भी एक फोर्स है, या हम बीम के केस में लेते हैं तो एक जो लोड लगाया हुआ है, वो लोड, वो हमारा शीयर फोर्स है। अगर हम लोड के केस में पॉइंट लोड की बात करते हैं, पॉइंट लोड की अगर बात करते हैं, तो ये सिंपल W हो जाता है। अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, शॉर्ट में लिखते हैं UDL की बात करते हैं,
तो ये W इंटू L हो जाता है। अगर हम यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड यू वी एल की बात करते हैं तो ये हमारा हाफ W इंटू L हो जाता है। पॉइंट लोड में सिंपल W, यू डी एल में W इंटू L और यू वी एल में हाफ W इंटू L। अब शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ ए बीम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम। कोई भी ये एक बीम है और ये मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में आर ए और आर बी इस पर नंबर ऑफ लोड लगे हुए हैं, नंबर ऑफ लोड लगे हुए हैं W1, W2, W3, W4, W5। इन नंबर ऑफ लोड का जो सम होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द लोड इज कॉल्ड एज शियर फोर्स। अगर मैं सेक्शन यहाँ लेता हूँ, मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, इसका मतलब मैं इधर वाले पोर्शन को कंसीडर नहीं करूँगा, इससे लेफ्ट में जितने भी फोर्स होंगे उन सभी फोर्सेस का सम जो होगा वो मेरा शियर फोर्स होगा। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो यहाँ से लेफ्ट में जितने होंगे, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ से लेफ्ट में जितने फोर्स होंगे उन सभी का सम, जहाँ हम सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं सेक्शन के आइदर साइड या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड के लोड का जो टोटल सम होगा वो मेरा शियर फोर्स होगा। अब शियर फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा फोर्स पॉजिटिव होगा और कौन सा फोर्स नेगेटिव होगा? अगर हमारे पास कोई बीम है और उस बीम पर फोर्स लगा हुआ है, अगर उस बीम के मैं लेफ्ट पोर्शन को देखता हूँ, ये बीम इसके लेफ्ट पोर्शन और ये इसका राइट पोर्शन, ये इसका लेफ्ट पोर्शन, ये इसका राइट पोर्शन, अगर मैं लेफ्ट पोर्शन को देखता हूँ और लेफ्ट पोर्शन पर अपवर्ड फोर्स लगा हुआ है तो वो मेरा पॉजिटिव शियर फोर्स होगा, और अगर लेफ्ट पोर्शन पर डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है तो वो मेरा नेगेटिव शियर फोर्स होगा। ये तो बात हो गई लेफ्ट की। अगर लेफ्ट पोर्शन को देख रहा हूँ मैं, किसी भी बीम के लेफ्ट पोर्शन को अगर मैं देखता हूँ, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। अगर उसी बीम के मैं राइट पोर्शन को देखता हूँ, राइट पोर्शन पर जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो पॉजिटिव और जो अपवर्ड फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा। शियर फोर्स इज पॉजिटिव इफ द नेट रिजल्टेंट फोर्स टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज अपवर्ड एंड नेगेटिव इफ इट इज डाउनवर्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर हम। ये एक बीम, ठीक, यहाँ रिएक्शन, रफ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो इसलिए रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, कोई फिक्स जरूरी नहीं है। 30 किलो न्यूटन एंड 40 किलो न्यूटन, फर्स्ट लोड इज 10 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, टेन किलो न्यूटन। पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अगर कोई मुझसे पूछता है कि यहाँ इस पॉइंट पर शियर फोर्स क्या होगा, तो मैं यहाँ से सपोज लेफ्ट पोर्शन को देखता हूँ, मैं यहाँ से लेफ्ट साइड में देखता हूँ, मैंने रैंडम वैल्यू ली है, ये मैंने पहले बोला है,
ये वैल्यूज अलग हो सकती हैं कैलकुलेशन करने के बाद, बट ये एक रैंडम वैल्यूज हैं जो एग्जांपल दिया है। यहाँ के रेस्पेक्ट में अगर मैं शियर फोर्स देखता हूँ, यहाँ से लेफ्ट पोर्शन देखो, ये 30 किलो न्यूटन अपवर्ड, मैं कहाँ देख रहा हूँ, लेफ्ट में, और लेफ्ट में अपवर्ड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्सिस का नाम दिया एक्स एक्स, अपवर्ड प्लस 30। उसके बाद और देखो, लेफ्ट में एक फोर्स ये रहा, दूसरा एक ये रहा, ये कैसा है, डाउनवर्ड। देख किधर रहा हूँ मैं, लेफ्ट में, और डाउनवर्ड कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस 10। उसके बाद एक ये लेफ्ट में, माइनस 20, फोर्स कितना गया, 0। अगर मुझसे कोई पूछता है कि शियर फोर्स यहाँ बताओ एट सेक्शन वाई वाई, शियर फोर्स एट सेक्शन वाई वाई, तो देखो शियर फोर्स एट वाई वाई, अभी भी लेफ्ट सेक्शन से देखता हूँ, हम सभी न्यूमेरिकल लेफ्ट सेक्शन से ही करेंगे, लेफ्ट सेक्शन, ये अपवर्ड प्लस 30, ये डाउनवर्ड माइनस 10, ये डाउनवर्ड माइनस 20, ये डाउनवर्ड माइनस 10, ये डाउनवर्ड माइनस 30। टोटल नेट वैल्यू कितनी आ गई इसकी, माइनस 40 किलोमीटर। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये नेट वैल्यू, अगर मैं लेफ्ट को देखता हूँ, अगर मैं लेफ्ट को देखता हूँ तो अपवर्ड जो भी फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड जो भी फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर मैं राइट को देखता हूँ तो अपवर्ड जो भी फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा, और डाउनवर्ड जो भी फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। इस बात को आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा हो गया शियर फोर्स। अब बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर हम मोमेंट की बात करते हैं, मोमेंट एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। और फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और डी की जो मीटर होती है, यूनिट होती है मीटर। तो इसकी यूनिट आती है न्यूटन मीटर। जैसे हमने शियर फोर्स देखा था, ऐसे हम यहाँ बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो बेंडिंग मोमेंट में किसी भी सेक्शन के रेस्पेक्ट में जो सभी मोमेंट का, सभी फोर्सेस की वजह से जो इंडिविजुअल मोमेंट हो रहा है, उनका एल्जेब्रिक सम हमारे बेंडिंग मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कोई बीम है, उस पर 5 लोड लगे हुए हैं, उन 5ों लोड की वजह से जो बेंडिंग, जो मोमेंट का एल्जेब्रिक सम होगा वो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा। किसी भी एक साइड की बात कर रहे हैं साथ में हम यहाँ पर। जैसे सपोज ये एक बीम है, ऊपर वाला एग्जांपल लिया मैंने इस टाइप से, एक बीम, एक लोड, 2, 3 ले लिए, चलो मैंने 3 लोड लगे हुए हैं, R1 R2, फर्स्ट लोड इज W1 W2 W3। अगर मुझे किसी भी एक सेक्शन, यहाँ एक्स एक्स सेक्शन पर मूवमेंट निकालना है, इसकी वजह लेफ्ट, हमेशा किधर से देख रहा हूँ मैं, लेफ्ट से, इसकी वजह से जो मूवमेंट होगा प्लस इसकी वजह से जो मूवमेंट होगा प्लस इसकी वजह से जो मूवमेंट होगा।
अब प्लस माइनस तो ये हमारे साइन कन्वेंशनल पर डिपेंड करेंगे, कब प्लस होता है कब माइनस होता है। तो इन तीनों लोड का जो एल्जेब्रिक सम होगा मूवमेंट का, वो होगा मेरा बेंडिंग मूवमेंट ऑफ दैट सेक्शन। इस सेक्शन पर वो मेरे बेंडिंग मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सो बेंडिंग मूवमेंट एम इज इक्वल टू, यहाँ हम लोड ले रहे हैं डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस, सपोज लिए मैंने एक्स, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स, अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो। एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, बट हम कहाँ ले रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट, आपको लेफ्ट याद रखना है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं कि कब ये पॉजिटिव होगा कब ये नेगेटिव होगा। मैं एक बीम का दूसरा वाला डायग्राम बनाता हूँ जो स्टार्टिंग में बना रहे थे हम, ये एक बीम, और इस बीम पर इस टाइप से लोडिंग लगाई है मैंने, इस टाइप से मूवमेंट डेवलप हुआ है ये। तो ये क्या होगा, यहाँ ऊपर वाले पोर्शन पर क्या देगा, कंप्रेशन, और नीचे वाले पोर्शन को क्या देगा, टेंशन। जब कभी भी इस टाइप का मूवमेंट लगा हो, जैसे ये एक लाइन, इस लाइन से ऐसे ऐसे, जब कभी ऐसा मूवमेंट लगा हो तो वो मूवमेंट हमेशा हमें पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट देता है, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। मींस अपर पोर्शन इज इन कंप्रेशन एंड लोअर पोर्शन इज इन टेंशन। बीम का जब कभी भी होगा तो वहाँ जो बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होगा वो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होगा, और इस पर्टिकुलर केस को हम बोलते हैं सैगिंग। इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम बोलते हैं सैगिंग। सो सैगिंग में मूवमेंट पॉजिटिव होगा, और ये भी याद रखना डायग्राम, इस टाइप का कभी डायग्राम बनेगा तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट देगा। अब इसके रेस्पेक्ट में दूसरा वाला डायग्राम देख लेते हैं। ये बीम अगर, इस बीम पर ऐसे लोडिंग लगी हुई है एम, ये क्या कर रहा है, इसे इस बॉटम पोर्शन को कंप्रेस कर रहा है, इसे टेंशन में ला रहा है। तो इधर टेंशन इधर कंप्रेशन, किस टाइप का लोड है, लाइन से देखें हम ऐसे, तो ये मेरा देता है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, और इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं हॉगिंग। हॉगिंग में नेगेटिव, सैगिंग में पॉजिटिव, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहाँ देख रहे हैं, पहले से स्टार्टिंग से ही लेफ्ट में, अगर हम लेफ्ट में देखते हैं। लेफ्ट में देखो, देखो ये अगर इसकी डायरेक्शन देखूं, ये ऐसे जा रहा है, इसे और कंटिन्यूस में ले जाऊं, ऐसे 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 चल रहा है ये, घड़ी की सुई भी तो ऐसे चलती है इस टाइप से। इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं क्लॉक वाइज। अगर पॉइंट के लेफ्ट पोर्शन को देखता हूँ और वहाँ क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है तो वो मेरा होगा पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो होगा मेरा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा लेफ्ट साइड, ये ध्यान रखना, ये सब मत पूछ जाना, लेफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं,
लेफ्ट में अगर देखते हैं क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। बात करते हैं राइट की, राइट ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो ये हमारे साइन कन्वेंशनल हो गए। अब इन शॉर्ट हम अगर बात करें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की, हम बात करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की। शियर फोर्स को शॉर्ट में लिख देते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को शॉर्ट में लिख देते हैं बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स क्या है? समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस। बेंडिंग मोमेंट क्या है? समेशन ऑफ ऑल दी मोमेंट्स आइदर साइड, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। फोर्स का सम जो होगा सो टोटल वो शियर फोर्स होगा, और मोमेंट का जो सम होगा वो मेरा बेंडिंग मोमेंट होगा, फोर्सों की वजह से मोमेंट डेवलप हो रहा है। अब साइन कन्वेंशनल की बात करें, अगर लेफ्ट पोर्शन देख रहे हैं हम, लेफ्ट पोर्शन पर अपवर्ड जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड जो होगा वो नेगेटिव। अगर हम लेफ्ट देख रहे हैं, क्लॉक वाइज जो मूवमेंट देगा वो पॉजिटिव, एंटी क्लॉक वाइज जो मूवमेंट देगा वो नेगेटिव। पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट और नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। या पॉजिटिव के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं सैगिंग और नेगेटिव को बोलते हैं हॉगिंग। पॉजिटिव में अपर पोर्शन कंप्रेशन में लोअर टेंशन में, और नेगेटिव में अपर टेंशन में लोअर कंप्रेशन में। तो ये बात हो गई। अगर पॉइंट लोड है पॉइंट लोड, शियर फोर्स में डायरेक्टली ऐड होता है डब्लू, और जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो आएगा डब्लू इंटू एक्स। एक्स वो डिस्टेंस होगी जहां वो लोड लगा हुआ है। अगर यूडीएल है तो ये हो जाएगा डब्लू इंटू एक्स, डब्लू लोड होगा और एक्स वो डिस्टेंस होगी जितनी डिस्टेंस पर वो लगा हुआ है। बेंडिंग मोमेंट जो हमारा होगा वो होगा W इंटू एक्स, तो यही रहेगा एज इट इज। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यू डी एल होता है वो हाफ डिस्टेंस पर लगा होता है x बाई टू, तो ये हो जाएगा W एक्स स्क्वायर बाई टू, और जो हमारा यू वी एल होगा वो होगा हाफ W इंटू एक्स, और ये जो बेंडिंग मोमेंट में होगा ये होगा हाफ W x। तो ये फोर्स हो गया इनटू डिस्टेंस। अगर हम बिगर एंड से देख रहे हैं तो x बाई थ्री, और स्मॉलर एंड से देख रहे हैं 2x बाई थ्री, x बाई थ्री ये हो जाएगा W x स्क्वायर बाई सिक्स। कहाँ से देखने पर? फ्रॉम बिगर एंड, यानी कि जहाँ हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उस एंड से देखने पर। तो ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मोमेंट की टोटल समरी हो गई एक तरह से, कि क्या होता है टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस शियर फोर्स एंड टोटल समेशन ऑफ मोमेंट ऑन शियर बेंडिंग मोमेंट किसी भी एक साइड में। कब शियर फोर्स पॉजिटिव होगा, कब बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा, कहाँ शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कहाँ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, ये सारा हमारा इसमें क्लियर हो गया कि कैसे कैसे हम उन्हें रिप्रेजेंट। अब इनके हम डायग्राम भी प्लॉट करते हैं कि शियर फोर्स हमने अलग अलग पॉइंट पर बीम के लिए कैलकुलेट किया तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो जिन्हें बोलते हैं हम शियर फोर्स डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम
एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, जिन्हें बोलते हैं हम शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। पहले बात करते हैं हम शियर फोर्स डायग्राम की। बस शियर फोर्स तो तुम्हें पता चल गया, समेशन ऑफ फोर्स वैल्यू भी पता चल गई। लेफ्ट में देखो अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, ये सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं। पॉइंट लोड के लिए W, UDL के लिए W इंटू एक्स, UVL के लिए हाफ W इंटू एक्स। जब ये सिर्फ W है तो इसकी वैल्यू लीनियर होती है हमेशा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कांस्टेंट होगी। W इंटू एक्स ये वैल्यू x के साथ साथ वेरी होगी, हाफ W इंटू एक्स ये भी x के साथ साथ वेरी होगी। तो बात कर रहे हैं हम शियर फोर्स की, शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम में क्या है कि शियर फोर्स का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, शियर फोर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शियर फोर्स का ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम। हर एक सेक्शन पर हम शियर फोर्स को मार्क करते हुए चलें और हर एक पॉइंट पर मार्क करते करते जो कंप्लीट डायग्राम बनेगा पूरे बीम का, वो हो जाएगा हमारा शियर फोर्स डायग्राम। अब जब शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करते हैं तो हमारा कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ शियर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। अगर किसी पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होगा। जहां शियर फोर्स जीरो होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होगा और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर, कॉन्ट्रा शियर और जीरो शियर। कॉन्ट्रा शियर या जीरो शियर क्या होते हैं कि जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो और शियर फोर्स जीरो हो। अब इनका जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम बेस लाइन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये जीरो जीरो बेस लाइन होती है, इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो ऊपर मार्क होगी और जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो इस लाइन से बॉटम में मार्क होगी, पॉजिटिव लाइन से ऊपर और नेगेटिव वैल्यू लाइन से नीचे रहेगी। लोड के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम लोड के हिसाब से देखते हैं तो पॉइंट लोड के लिए, पॉइंट लोड के लिए जो इसकी वैल्यू होगी वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी जब तक कि कोई दूसरा लोड नहीं आ जाता। जितने भी वर्टिकल लोड हैं, जो भी पॉइंट लोड हैं, उनके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। अगर UDL और UVL हैं उनके लिए ये जो लाइन होगी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी, या तो इस टाइप से या इस टाइप से, जहाँ जहाँ UDL लगा हुआ है वहाँ वहाँ। नेट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, नेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है हमने पहले डिस्कस किया इसी लेक्चर में कि लेफ्ट पोर्शन पर अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। पॉइंट लोड दिया हुआ है तो सिंपल W, UDL दिया W इंटू एक्स और UVL दिया है हाफ इंटू W इंटू एक्स। पॉइंट लोड के लिए स्ट्रेट लाइन और UVL के लिए इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये तो शियर फोर्स डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया, मोटा मोटा रिप्रेजेंटेशन। बाकी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहाँ हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे डायग्राम बनता है। अब बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की बात कर रहे हैं तो यहां क्या है, बेंडिंग मूवमेंट का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज कॉल्ड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम।
अब बेंडिंग मोमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव हम देख चुके हैं। अगर ये सेक्शन देख रहे हैं और इस टाइप से लोडिंग है तो ये पॉजिटिव, और सेक्शन के इस टाइप की लोडिंग है, इस टाइप से मूवमेंट आ रहा है तो ये नेगेटिव। सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव, अपर पोर्शन कंप्रेशन पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो गई। अब रिप्रेजेंटेशन इनका भी ऐसे ही करते हैं, बेस लाइन से ऊपर जो होगा पॉजिटिव, नीचे जो होगा नेगेटिव। ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन होता है और नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं बेस लाइन से नीचे। एक ऐसा पॉइंट जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। एक ऐसा पॉइंट जिस पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। अब अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास, सपोज ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम में जहां सपोर्ट होंगी, सिंपली सपोर्टेड बीम में जहां सपोर्ट होंगी वहां पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो हमेशा जीरो होगा। सपोर्ट्स पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। और अगर कोई कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट जीरो, ये याद रखना। अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो जहाँ सपोर्ट लगी हुई वहाँ जीरो होगा, अगर कोई कैंटिलीवर है तो जो उसका फ्री एंड होगा उस फ्री एंड पर इसका बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। अब वेरिएशन कैसे होगा, पॉइंट लोड के लिए, पॉइंट लोड के लिए होगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इस टाइप से। ये डिपेंडेंट होगी W इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू हमारी इंक्रीज होती जाएगी। और UDL के लिए, UDL के लिए जो बेंडिंग मोमेंट होता है हमने ऊपर देखा था वो आया था डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। जब एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया तो ये कैसा होगा, पैराबोलिक, पैराबोलिक। अगर ये बीम है तो इस टाइप से पैराबोलिक, फिर इसकी वैल्यू कुछ भी आगे पीछे जा सकती है, वो तो अलग चीज़ है। तो ये होगा हमारा पैराबोलिक टाइप का। अगर UVL है, UVL के लिए बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला W एक्स स्क्वायर बाई सिक्स, ये भी पैराबोलिक, ये भी पैराबोलिक। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, मीन्स शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का अगर ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं। और हर एक सेक्शन की वैल्यू को हम समेशन करते हुए इन डायग्राम को पूरे बीम के लिए हम कंप्लीट करते हुए जाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग अलग बीम के लिए अलग अलग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेंगे ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। Thank you.